खबर लखनऊ से है। लखनऊ में आज सीएम योगी नियुक्ति पत्र बांटेंगे। दारोगा भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। दोनों डिप्टी सीएम भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। पुलिस भर्ती को लेकर कुछ बड़ा ऐलान भी आज मुख्यमंत्री की तरफ से किया जा सकता है। तो लखनऊ में आज सीएम योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्र बांटने जा रहे हैं। दारोगा भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम का आयोजन। दोनों उप मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद रहने वाले हैं, शिरकत करेंगे। और पुलिस भर्ती को लेकर के आज कुछ बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री की तरफ से किया जा सकता है, ये भी संभव है। तो भाजपा सरकार का मिशन रोजगार, इसके तहत नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। दारोगा भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पूरा कार्यक्रम, इसकी तैयारियां पूरी हो चुकी है। अब इंतजार सीएम योगी आदित्यनाथ का, जब वो वहां पर पहुंचेंगे और दारोगा भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा उनकी तरफ से। और इस बीच एक और बड़ी खबर है। मानस पर सीएम के बयान पर स्वामी प्रसाद मौर्य का एक ट्वीट सामने आया है। ताड़ना शब्द पर सीएम योगी के बयान पर ट्वीट से पलटवार इन्होंने किया। ताड़ना का अर्थ शिक्षा बताने वाले जनता को नादान समझते हैं, स्वामी ने यह कहा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट में लिखा कि नारी और शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं। शंबुक ने पढ़ाने का प्रयास किया तो सिर काट दिया। द्रोणाचार्य के मना करने पर एकलव्य महान धुरंधर बने तो अंगूठा कटवा लिया। ताड़ना का अर्थ शिक्षा बताने वाले या तो नादान है या जनता को नादान समझते हैं। शिक्षा का अधिकार तो फूलो साहूजी महाराज और डॉक्टर अंबेडकर के प्रयासों से संविधान से मिला है। यहाँ पर अब जिस तरीके से सीएम की तरफ से बयान दिया गया था मानस को लेकर, अब उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये ट्वीट किया है, पलटवार किया है सीएम को के उस बयान को लेकर के। ताड़ना शब्द पर सीएम योगी के बयान पर ये पलटवार यहाँ पर देखा जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य का ये ट्वीट आपके टीवी स्क्रीन पर। ताड़ना का अर्थ शिक्षा बताने वाले को नादान वो बता रखे हैं। यहाँ पर मानस पर सीएम योगी के बयान पर स्वामी प्रसाद मौर्य का ये ट्वीट अब यहाँ पर देखने को मिला है। ताड़ना को लेकर के ये ट्वीट किया गया। दरअसल उन्होंने लिखा कि ताड़ना का अर्थ शिक्षा बताने वाले जनता को नादान समझते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से ये ट्वीट किया गया और उन्होंने कहा कि शिक्षा का अधिकार तो फूलो साहू जी महाराज और डॉक्टर अम्बेडकर के प्रयासों से संविधान से मिला है। रामचरितमानस को लेकर जिस तरीके से विवाद लगातार देखा जा रहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिए थे उसके बाद उनकी काफी निंदा भी हुई। अब ताड़ना शब्द को लेकर के सीएम योगी की तरफ से जो कहा गया उस पर यहां पलटवार करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य नजर आ रहे हैं। इस बीच आपको बता दें बड़ी खबर है, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के आवास पर आज लंच होने जा रहा है। दोपहर 12:30 बजे सभी विधायकों को लंच पर बुलाया गया है। सभी 403 विधायकों और मंत्रियों को लंच पर बुलाया गया। नई परंपरा के तहत विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष बुला रहे हैं। एक मंच पर यहां दिख सकते हैं सीएम योगी और अखिलेश यादव भी एक साथ नजर आ सकते हैं। इस लंच कार्यक्रम में सभी 403 विधायकों को बुलाया गया है। नई परंपरा के तहत यहां पर विधानसभा अध्यक्ष ने सभी को आमंत्रण किया है। दोपहर 12:30 बजे विधायकों को लंच पर यहां बुलाया गया है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के आवास पर आज लंच का कार्यक्रम और एक साथ यहां पर सीएम योगी और अखिलेश यादव नजर आ सकते हैं। विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से इस लंच का आयोजन किया जा रखा है और नई परंपरा के तहत ये आयोजन सभी 403 विधायकों को और मंत्रियों को लंच पर आने के लिए कहा गया है। सतीश महाना की तरफ से इस पूरे लंच कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दोपहर 12:30 बजे विधायकों को लंच पर आने के लिए न्योता दिया गया है। तो महाना का बजट भोज का संदेश क्या है, अब आप ये जान लीजिए। विधानसभा स्पीकर सतीश महाना विधायकों को लंच आज देने वाले हैं। दोपहर 12:30 बजे सतीश महाना के आवास पर लंच का ये पूरा कार्यक्रम होने जा रखा है। इसमें सभी 403 विधायकों को न्योता दिया गया है। नई परंपरा के तहत विधायकों को लंच पर आने के लिए कहा गया है। नई परंपरा के तहत सभी विधायकों को बुलाया गया है, मंत्रियों को बुलाया गया है। सतीश महाना के आवास पर लंच का आयोजन किया गया है। लंच में सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे, अखिलेश यादव भी नजर आएंगे और साथ ही शिवपाल यादव भी लंच में मौजूद रहने वाले हैं। तो यानी कि यहां पर एक ही बेंच पर सीएम योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव अब नजर आएंगे। लंच करते दौरान सतीश महाना के आवास पर लंच का आयोजन नई परंपरा के तहत विधायकों को आने के लिए कहा गया है, न्योता दिया गया है। 403 विधायकों को बुलाया गया है, सभी मंत्रियों को बुलाया गया है। 12:30 बजे सतीश महाना के आवास पर लंच का आयोजन, विधानसभा स्पीकर सतीश महाना की तरफ से लंच कार्यक्रम का यहाँ पर न्योता दिया गया है सभी विधायकों को, मंत्रियों को। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।